देश भर में आज जन्माष्टमी त्योहार को लेकर धूम है। मंदिरों की विशेष साज सज्जा की गई है। आज भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है और सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। वहीं पटना की बात करें तो पटना के इस्कॉन में भी आज के दिन को लेकर विशेष तैयारी की गई है और श्रद्धालुओं की लंबी कतार अभी से ही देखी जा रही है। भक्तों में खासा उत्साह है आज के दिन को लेकर। जन्माष्टमी को लेकर मंदिरों में जो विशेष उत्साह होता है भक्तों का, श्रद्धालुओं को भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने को लेकर, आज इस्कॉन पटना में उसकी झलक दिख रही है और हजारों की भीड़ जो है सुबह से ही जो है मंदिरों में पहुंची है। देखिए मंदिरों में जो श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होने के लिए, और देखिए आरती और भजन का जो चल रहा है सभी भक्त उसमें लीन हो चुके हैं। पूरा ये इस्कॉन का जो परिसर है अंदर से लेकर बाहर तक, क्योंकि संख्या जो लोगों की होती है इस त्यौहार में सम्मिलित होने के लिए वो बहुत ही बड़ी संख्या में जो है लोग यहाँ पहुँचते हैं, और भक्ति में जो एक लीन होना और भगवान श्री कृष्ण की पूजा में जो कहा जा सकता है कि खुद झूमते हुए रहना श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष जो है एक क्षण होता है। कुछ श्रद्धालुओं से हम बात कर लेते हैं। श्री कृष्ण की भक्ति का आज दिन है। चलिए भक्ति भक्ति में लीन है ये इसे जो है ये करना श्रद्धालु जो है तमाम लोग जो है भजन और जो कीर्तन हो रहा है उन तमाम चीज़ों में कुछ श्री कृष्ण की आज जन्माष्टमी को लेकर विशेष उत्साह होता है। जी बस यही कि हमेशा स्पिरिचुअलिटी करते रहे, उससे जुड़े रहे ताकि भगवान आपको और अच्छी राह दिखाए, उस पर आप आगे बढ़े और हमेशा अच्छे चीज़ों को ये करें। क्या क्या दिन भर की गतिविधियाँ आप लोगों ने तय करके रखा होगा, क्योंकि यहाँ पे तो पूजा करना है, बहुत कार्यक्रम यहाँ पे भक्त भजन संध्या होते हैं, रात को जन्माष्टमी होती है। हाँ हाँ हाँ, आज तो पूरे दिन यहाँ पे प्रोग्राम चलते रहेंगे। सुबह मंगला आरती हो गई और अभी वापस से एक आरती है, फिर रात पूरे दिन यहाँ पे आज कीर्तन भजन होने वाला है और फिर रात्रि में आज अभिषेक होगा और बहुत सारे उत्साह होंगे और सब। आज फास्टिंग भी रखा जाता है, उपवास भी पहला काम लगता है मंदिर में आके पूजा करने का। हाँ फास्टिंग तो रखा जाता है। भगवान कृष्ण का जो एक होता है विशेष पूजा, अपने घरों पे भी लोग करते हैं, आप लोगों ने भी तैयारी कुछ खास तो नहीं की है? ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, ज्ञान थोड़ा कम है। आज पूरा समय बस 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 इस्कॉन टेम्पल अच्छा लगता है ना, तो आ गए हम लोग। अपने साथ प्रसाद भी जो होता है भगवान कृष्ण के लिए जो भोग होता है वो, क्योंकि देखिए भगवान श्री कृष्ण की जो एक बाल स्वरूप जो प्रतिमा है वो अपने साथ लेके आए हुए हैं, पूरी तैयारी के साथ बाल रूप में है, तो उन्हें चॉकलेट भी जो है अपने भक्ति के अनुसार, इच्छा के अनुसार और अपनी श्रद्धा के अनुसार जो लोग होते हैं चढ़ाव भी चढ़ाते हैं। किस तरह से तैयारी इस्कॉन में पूजा करने के बाद जन्माष्टमी मनाने की? अभी तो बहुत उत्साह है, घर जाके तैयारी करनी है। अभी मैं दर्शन, ये मेरे नए वाले लड्डू गोपाल है, ये मेरे घर के लड्डू गोपाल है, तो इनको आज मैं यहाँ के दर्शन करा के ये मैंने अपनी बहन के लिए लिया है और मैं उनको दूंगी आज गिफ्ट स्वरूप इसको। आपने भी मोर पंख खास करके और बांसुरी श्री कृष्ण भगवान की पहचान होती है, आपने लेकर ये चढ़ाने के लिए? हाँ ये कान्हा को बहुत प्रिय है ना, बांसुरी है और मोर पंख है, इसीलिए यही भेंट है आज कान्हा के लिए उनके जन्म दिवस पे। भक्ति और शक्ति से जो लोग हैं श्रद्धालु जो हैं वो लेकर पहुंचते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण की जो है एक सुंदर जो है प्रतिमा को लेकर जो है श्रद्धालु पहुंचे, यानी एक उत्साह जो होता है विशेष आस्था होती है, और देखिए महिला हो या पुरुष हो तमाम लोग इस त्यौहार देखिए भक्ति में जो लीन होते हैं, भक्त अपने भगवान की पूजा करने के लिए आस्था में जो है वो लीन है, और खासकर जन्माष्टमी का जो दिन है मंदिरों में तो भीड़ है ही, मगर खासकर इस्कॉन जहां कृष्ण भगवान की विशेष पूजा का जो आयोजन किया गया है, मंदिर भी अपने तरफ से तैयारी करके रखा गया है। इस्कॉन पटना के आसपास के इलाकों में जो है गाड़ियों के परिचालन पर भी जो है आज बंद रहेगी, और तमाम जो भक्त पहुँचेंगे दिन सुबह से जो है पहले जो कही जा सकती गतिविधि मंदिर में आने के साथ है, और दिन भर जो है भजन संध्या आरती और श्रृंगार के साथ साथ जो है पूजन के साथ साथ जो है दिन भर गतिविधियां बीतेगा, और शाम को यानी देर रात तक जो भगवान कृष्ण की 12 बजे जन्माष्टमी का जो त्यौहार मनाया जाएगा उसमें भी भक्त इसमें शामिल रहेंगे और इस त्यौहार को हर्षोल्लास मनाने की पूरी तैयारी के साथ जुटे हुए हैं। इस समय कैंप प्रदीप के साथ।